Yeah. Comedy. Yeah. Any cricket fans in the house? मैं भी एक क्रिकेट फैन, लाइक अ ह्यूज क्रिकेट फैन, और मैं हर तरह के क्रिकेट मैचेस देखता हूँ. T20, वन डे, काउंटी भी कभी कभी फॉलो करता हूँ. लाइक एक्चुअली आई एम अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑल्सो. 5 years क्रिकेट, 2007 EA स्पोर्ट्स. मेरा शॉर्ट शिफ्ट प्लस डी वॉज किकैश. आई हैव अ रिकॉर्ड, 1 इनिंग मैथ्यू एडन 5000 रन्स. गिलक्रिस्ट अभी भी सामने ही बैठा है, जम्मा बैसी गया. सो सब लोगों को अलग अलग टीम पसंद होती है. मेजोरिटी इंडिया ही बोलेगा कि किसको गाली खाना है, बराबर. कोई बोलता है ऑस्ट्रेलिया, तो कहे गो बैक एनी. अलग अलग टीम बोलते हैं. मेरी एक हमेशा से एक फेवरेट टीम रही है, क्योंकि वो टीम के लाइक स्टैटिस्टिक्स ही इतने बढ़िया है ना, वो कभी हारते ही नहीं, हमेशा जीतते. लाइक ड्राई पिच, वेट पिच, पिच नहीं भी होता ना तो वो जीत जाते. दैट टीम इज लगान. व्हाट अ टीम मैन. मुझे लगता है कि लगान वॉज द मोस्ट आइडियल टीम. दुनिया में सारी टीम ऐसी ही होनी चाहिए. आप सोचो, 11 ट्रेंड खिलाड़ी, कैप्टन रसल जैसे लोग जिन्होंने ये स्पोर्ट्स घोल के पी लिया है, टेस्ट खेला है, सब रूल्स सब पता है, 11 रैंडम लोग उनको हरा के निकल जाते हैं, जिसमें से किसी को गेम आता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है क्रिकेट क्या. ओनली वन वॉज अ क्रिकेट फैन, भुवन हिमसेल्फ, आमिर खान. बाकी सब नॉर्मल किसान थे. ये भुवन ही सबको सपाटे में लगा, आए ना चल क्रिकेटर में, चल चल आओ. सबको नो बड़ी. भुवन और क्रेजी क्रिकेट फैन, ऐसा कोहली रॉक का टैटू होगा इधर वेस्ट के पीछे, सचिन सचिन तीन ताली पूरे गांव में दौड़े ऐसा. अभी पूरे लगान मूवी की जड़ भुवन ही है, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन ग्रुप डिस्कशन. जैसे कैप्टन रसल ने शर्त रखी कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा. मैंने बोला कितना अच्छा आदमी, पहले तो हिंदी सीख के आया, बराबर. बिलीव इन कम्युनिकेशन. तो जब पूरा गांव ऐसा जीडी करने के लिए गया, तो मुखिया जी बोले लेट स्टार्ट द जीडी, भुवन यू वांट टू स्टार्ट. ही डायरेक्टली कंक्लूडेड इट, शरत मंजूर है पति. कोई डिस्कस, कोई बेचारा बाथरूम से आया, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, इसने फ्राइडे को मैच रख दिया, बोलो. किसी को कोई, वो बोलता मैच क्या होता है भाई. जीरो आइडिया, किसी को कोई आइडिया नहीं है. और पूरे फसाद की जड़ भुवन ही है. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. अभी पिक्चर का मुद्दा क्या है कि 3 गुना लगान चुकाना है. अभी लगान क्या है, पैसा नहीं है, अनाज है, टैक्स, बराबर. अब 3 गुना नहीं चुका सकते. क्यों? क्योंकि 1 गुना ही नहीं है, 3 कैसे चुकाएंगे. 1 गुना अनाज क्यों नहीं है, तो क्या बारिश ही नहीं हुई. बारिश नहीं होती तो जो फसल डाली है उसमें बीज नहीं होते, तो ओवरऑल खेत में फसल की प्रॉब्लम है. अभी नेक्स्ट टाइम आप मूवी देखना, पूरे मूवी में भुवन के पास खेत ही नहीं होता है. प्रॉपर्टी नहीं है आदमी के पास. उसके बाप का था, बेच के क्रिकेट का किट ले आया था, बोलो. अब पेड़ पे थोड़ी गाजर उगेगा, कैसा आदमी है यार. अब ये जो 11 लोगों की टीम है ना, उसमें से 3 लोग मेरे फेवरेट है. फर्स्ट वन इज लाखा दी कॉन्स्पिरेटर, वो गंगा जल वाले, ये मात्र वो वाला. लाखा की कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे लेयर है. किसी को नहीं पता था लाखा धोखा करे. पिक्चर के राइटर को नहीं पता था लाखा धोखा करे. राइटर लिख रहा था ना, तो क्या लाखा क्या कर रहा है, तो क्या धोखा क्या कर 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 कर. लाखा की कॉन्स्पिरेसी में इतना लेयर है कि जब पूरी टीम ऐसा टीम बिल्डिंग के लिए गाती है ना, कि बार बार हाँ बोलो यार, लाखा खाली कोरस ही गाता है, ओ ओ ओ ओ डन. आई एन गिविंग नो सीक्रेट्स, ऐसा लाइक ही इज. दूसरा मेरा फेवरेट प्लेयर है भुवन हिमसेल्फ. आई टेल यू सर, व्हाट्स योर नेम? करण. करण भाई, सो व्हाट डू यू डू सर? इंजीनियर. इंजीनियर, तो आपने इंजीनियरिंग पढ़ाई की होगी, बराबर. कब की थी, कितना टाइम हो गया? 6 साल हो गए, और इधर मुंबई से ही की थी. सो करण भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द जोक, इन एन आइडियल सिचुएशन, नॉट अ प्रैक्टिकल वन, इमेजिन दैट आप कॉलेज में अच्छे दिखते थे ऐसा. वो सबसे ज्यादा हंस रही है. लाइक ऐसा, मतलब सेक्स टपके ऐसा शरीर से, गली से जाऊं तो मासिया गिरो, अरे करण. कब्रिस्तान से जाओ, चाचा करण बेटा कहाँ जाए, ऐसा. मतलब सब जगह ऐप्स, इधर 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 आंख में ऐप्स, ऐसा ऐप कंपाइलेशन चलता आ रहा हूँ वैसा. तो आपके अंदर ऐसा क्वालिटी हो तो आप चैनलाइज करो कि अभी इसको मैं कुछ करूँगा कैसा, मतलब स्वैग है, मॉडलिंग वगैरह ये. तो सेम वे में भुवन को पूरी फिल्म में 2 हीरोइन सामने से लाइन दे रही, ग्रेसी सिंह एंड रेचल शेली. तो मैंने बोला अभी कुछ तो भुवन ऐसा, मतलब थग लाइफ ला 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 कई गेटिंग मी किंकी स्टफ एंड ऑल है. पर नहीं, भुवन को तो क्रिकेट खेलना है, वो भी कचरा के साथ. कचरा के साथ अलग अन्याय हुआ है मूवी में.
एक तो सिंगल हैंडेडली तीन विकेट लिया, लास्ट बॉल पे स्ट्राइक दिया, एक मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट नहीं दिया उसको। प्राइज मांगने गए, झाड़ू दे दिया, जाओ रामो चलो। कतरा का कैरेक्टर जब लिखा जा रहा था तो उसमें शब्द कम और इंडियन सोसाइटी का हिपोक्रेसी ज्यादा था, पता है? हाँ मैं बताता हूँ, आई एक्सपोज्ड इट। कतरा को फर्स्ट हाफ में कोई नहीं खिलाता, कतरा हमारे साथ नहीं खेलेगा, क्यों? तो क्या कतरा अछूत है, कतरा अछूत है। सेकंड हाफ में पूरा गांव पलट गया, कतरा छू के दौड़, ऐसा थोड़ी चलता है। उसने आर्टिकल 15 ना देखा हो, बराबर है? आयुष्मान वॉज इन रोडीज एट दैट टाइम। बट माई थर्ड फेवरेट प्लेयर इज बागा द डम गाय, बोल नहीं पाता वो। बागा इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक्चुअली वन साउंड, डन। बागा इज द एंग्री यंग मैन ऑफ द टीम, बहुत गुस्सा भरा है। रीजन, एक तो 200 सीढ़ियां ऊपर रहता है, दिन भर पूरा चढ़ उतर, तो कंटाड़ी जाए मानस, काफ मसल फटके बाहर आया लेकिन बोल नहीं पा रहे, एंड नो सोशल लाइफ इवन। सुबह ऐसा चढ़ता है, फ्रेंड्स बोलते हैं शाम को आने मस्त, नीचे पबजी खेलते, उतरता है, रात हो गई, सब चले गए, वापस गुस्सा उठ। बागा इज द एंग्री यंग मैन ऑफ द, उसका पूरा लाइफ यही है। गाना भी गाता है, बैंक में भी फॉर्म भरता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, सिग्नेचर में। वो सिग्नेचर इतना इजी है ना, कोई बैंक में से पैसा निकाल के ले गया तो बैंक में जाके बैंक वाले बोलते हैं ऐसा खुले हम सिग्नेचर बोलोगे, निकाल ही लेगा ना सर कोई पैसा। बागा को लाइन भी गाने नहीं मिल रही, वो लाखा खाली ओ गा रहा है, वो चांस नहीं ले रहा, इधर इसको खाली कोरस पार्ट दिया, बार बार बोलो यार। बागा इज द एंग्री यंग मैन ऑफ द टीम। उसकी बैटिंग आती है ना तो उसके आगे वाले बैट्समैन को सर पे सीजन का बॉल लगाए, नॉर्मल आदमी की गांठ फट जाए कि नहीं खेलना मैं खेती कर लूंगा, मर गया तो वैसे भी लगा नहीं चुका पाएंगे, नहीं रमो भाई। बागा को जोश आ जाता है, ऐसा करके निकल पड़ता। तो भुवन बोलता है ये गेम बिगाड़ देगा यार, तो क्या देख बागा शांति से खेल, हमका ये खेल जीतना है। ओके सिक्स। तो भुवन इज लाइक नाइस शॉट बागा, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर आई मस्ट से, पर शांति से खेल, हमका ये खेल जीतना, सिक्स अगेन, नहीं आम। तीसरा बॉल बॉलर दौड़ता हुआ आया, बागा एकदम जोश में बल्ला घुमाए, बागा बोल्ड गिल्ले उड़ गए पीछे, तो पूरा गिल्ट एक ही स्वर में खाली। तब मेरे को रियलाइज हुआ बागा को सिर्फ एक ही चीज आती थी, ईट स्लीप रिपीट, दैट्स इट, दैट्स इट। मजा आया जोक में, मजा आया कसम, खुशी ऐसी ही होती है, हंसने का घर जाके ऐसे ही जानो काले नौकर। अभी क्या है, इंडिया में सस्ता इंटरनेट आने की वजह से बहुत डाइवर्सिटी बढ़ गया, तो अभी सब लोग किसी ना किसी चीज़ में नुक्स निकालते, लोग दूसरों के बिहाफ पे ऑफेंड हो जाते हैं, जैसे अभी ये क्या है फनी जोक है बराबर है, तो कोई उसमें भी एक दो अंकल कभी आ जाते हैं कि बागा का मजाक नहीं उड़ा, मैं बोला अंकल बागा बैठा होता ना कैरेक्टर तो खुद भी हंसता है, आपको ही माता ऐसा। बट नहीं, तो एक शो के बाद एक अंकल आ गए कि आप ऐसा पिक्चर का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, कितना महान पिक्चर। मैं बोला अंकल महान है, मैं भी देख के ही आया, मेरे को मालूम है। तो क्या वो ऑस्कर के लिए गए थे? मैं बोला तो मैं चेक ही नहीं आखे हुए नाम। वो ऑस्कर वाले ऐसा नहीं, चिरायू का वीडियो मस्त है, आशुतोष गोवारी कर जा जा। सबको पता है वो परफेक्ट पिक्चर। जोक तो क्या है, जो भी टॉपिक होता है उस पर ही हंसना होता है, वही जोक होता है। तो क्या नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने बोला क्यों? तो क्या आई डिडंट लाइक इट। मैंने बोला अंकल आप स्ट्रेस में रहते हो? तो क्या हाँ बेटा हाँ। मैं बोला मतलब पूरा परिवार ऐसा, बच्चा क्या करता है? कुछ नहीं करता, सोफे पे पड़ा रहता है पूरा दिन। मैं वो फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, घर पे आके फेसबुक लॉग इन करके गालियाँ लिखता हो सबको, है पूरा पड़ास निकालता हूँ। मैं बोला अंकल इधर है, आपको समाज ने बहुत स्ट्रेस दिया, 30-40 साल नौकरी किया और फिर ऐसा दिन है, बच्चा सोफे पे देखने का हाफ चड्डी में गंदा, यू नीड अ ब्रेक, यू डिजर्व ब्रेक अंकल। तो क्या यस आई डू बेटा। मैं कहा यू डिजर्व ब्रेक अंकल, आप बढ़िया छुट्टी लो और फिर आप उधर जाके आओ। बोले कहाँ? मैंने बोला गांड मराने। अंकल वॉज लाइक